हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कुक टू लिव में। आज हम लोग नूडल्स बनाएंगे, लेमन ग्रास नूडल्स। बहुत अच्छी रेसिपी है, नूडल्स सभी को पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और अभी फास्ट फूड बार का सब बंद है, क्यों ना उनको घर में ही अच्छा फ्लेवरफुल हेल्दी कन्वर्ट करके एक अच्छा नूडल्स घर में खिलाए। तो ये रेसिपी उस लायक है, लेमन ग्रास का जो फ्लेवर है और साथ में जो वेजीज मैंने डाली है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। आप लोग इसको खाएं, खिलाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। हम नूडल्स बनाते हैं। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में या पैन में पानी गरम करके जब वो बॉयल हो जाएगा तो हम नूडल्स डालेंगे, साथ में थोड़ा तेल और नमक डाल देंगे। नूडल्स को बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद उनको किसी चलनी में छान लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी गिराएंगे जिससे उनकी बॉइलिंग बंद हो जाए। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट सबसे पहले डालेंगे और उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, कुक कर लेंगे। उसके बाद हम कैरेट डालेंगे। हम ये नूडल्स लेमन ग्रास के साथ बना रहे हैं तो कैरेट के बाद हम लेमन ग्रास डालेंगे और दोनों को थोड़ा कुक होने देंगे। उससे क्या है कि वो लेमन ग्रास को बारीक चॉप करके डालेंगे तो उसके फ्लेवर उसमें पूरे आ जाएंगे। उसके बाद कैप्सिकम एक एक करके तीनों डाल देंगे। हमारी वेजीज को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्की सी बाइट आने देंगे और उसके बाद जब ये कुक हो जाएगी तो हम चाउमीन का मसाला डाल देंगे। मसाले को सभी वेजीज में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लास्ट में सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट एक बार कम डालेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम अपनी बॉयल की हुई नूडल्स को इसमें ऐड करेंगे और किसी फोक या उससे अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिल्ली सॉस, गार्लिक सॉस और सोया सॉस और विनेगर और टोमेटो सॉस, सारे सॉसेज हम डाल के और सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लास्ट में थोड़ा पार्सले डाल देंगे और थोड़ा पार्सले ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये लेमन ग्रास के फ्लेवर वाली नूडल्स हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। हम नूडल्स को कई तरह से बनाते हैं, कई वेजीज के साथ बनाते हैं। इसमें मैंने वेजीज बहुत बारीक काटी है, मींस अच्छी छोटी छोटी काटी है। उससे क्या है कि लेमन ग्रास के साथ वो मिंगल हो गई है और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है नूडल्स की। और लेमन ग्रास में इतना फ्लेवर होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे घर में जैसे फैल जाता है। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाएँ, खाएँ और खिलाएँ। नूडल्स तो सभी बच्चों को पसंद होती है, चाय के टाइम भी खा सकते हैं और किसी भी छोटी मोटी भूख के टाइम भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ नीचे जो लाल बटन है उसको दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन है उसको भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरी अगली आने वाली रेसिपी का मिलता रहे और आप उसको जल्दी से देख पाएँ। और कोई भी कमी हो तो मुझे बताएं, कोई स्पेशल फरमाइश है तो मुझे बताएं। मेरे लिए थोड़ा सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मैं पहले कौन सी डालूं या बाद में कौन सी डालूं, तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूं कि अलग अलग तरह की रेसिपीज डालूं। Thanks for watching.